सारे चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करिए। गांव की ओर हम भोजपुरी फिल्म बनाते हैं। अगर भोजपुरी फिल्म का भोजपुरी नाम हो तो इसे प्रतीत होता है कि वाकई फिल्म कैसी होगी। भोजपुरी एक रीजनल भाषा की फिल्म है और गांव की ओर अगर उस नाम से उस चीज़ को अगर फिल्म हम बनाते हैं तो उसकी एक मिठास ही कुछ अलग होगी। तो फिल्म तो हम लोग आजकल कर ही रहे हैं लेकिन शहरी ज़्यादा कर रहे हैं, बम्बे, गुजरात, इधर उधर शूटिंग, लंदन तक चले जा रहे हैं, लेकिन लोग गांव को भूल गए हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो चीज़ें गांव में हैं वो शहर में नहीं है, तो उसको हम लोग फिल्म के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि गाँव में क्या है। ये अभी ओपन तो नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो फिर फिल्म की चीज़ें क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई, और ये मेरे बहुत हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैंने जब आज फिल्म बनाई थी तब से ये मेरे साथ रहे हैं, तो हमेशा हम लोग का इनको सफलता की दुआएं दूंगी। आप सब भी जो शामिल हैं, आई होप कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और आप लोग इसके ऊपर सक्सेस पाएँ। और टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो गाँव की ओर। बेसिकली तो गाँव, हम सब गाँव से ही होते हैं, बट पीढ़ियाँ हमारी, मतलब टाइटल इज़ वेरी गुड। और मुझे अब भोजपुरी वाले ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे उनकी गाने डालती हूँ, भोजपुरी जो हिट सॉन्ग्स होते हैं मैं उनका इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो करती हूँ। और भोजपुरी के एक्टर तो सारे बहुत अच्छे कर रहे हैं यार। और अभी तो आज तो मनोज तिवारी और अपने रवि किशन, ये तो सारे लोग तो पॉलिटिक्स में भी गए हैं। सो भोजपुरी इज़ अ वेरी बिग फिल्म का जो है फील्ड है, आई थिंक दे डूइंग ऑल्सो वेरी वेल। कई कई फिल्में तो नहीं, ऑफर आए और मुझे अगर रोल अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली करूँगी। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भोजपुरी फिल्मों की, बट अगर वो मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा और सब्जेक्ट अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है, मेरे जो यूपी बिहार जो हमारा हमेशा रहा है, तो वो वैसे भी मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े लेवल पे फॉलोअर्स हैं, तो आई वुड लव टू डू अ मूवी फॉर देम। यहाँ का सोना चुरा के गाँव लेके जाएंगे। जी जी, और क्या क्या सोने का? ये मेरा शौक था जब पढ़ाई करते थे ना, तब से एक शौक था कि सोना पहनना। पापा को बोलते थे तो पापा बोलते थे ससुर पढ़वा कि ना पी ले तुम, बाद में सोना चांदी करिया। तो जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की तो जो शौक था उसको पूरा कर रहा हूँ। विनोद जी से मेरी परिचय मोहब्बत एक फिल्म सर बना रहे थे, उसमें मैं भी काम किया था, चिंटू जी की फिल्म थी जी, मोहब्बत हो गई। और हम लोगों ने मोहब्बत करते करते गोरखपुर पहुँचे और इनके गांव में जाकर के सिनेमा हॉल में पिक्चर को प्रदर्शित किए,
और वहाँ बड़ा मज़ा आया, और तब से लगातार इनके टच में हूँ। और तमाम चीज़ें फिल्में करते हैं, मराठी भी फिल्में करते हैं, भोजपुरी, हिंदी, तो हम लोग का कंसर्न चलते रहता था। तो 2-4 दिन पहले की चर्चा चली कि चलो गांव की ओर, हमको लगा कि हमको तो जाना ही है। बोले नहीं, फिल्म करने वाला हूँ मैं। तो हमने कहा तो करते हैं ना। बोले चलिए तो प्लान करते। 2 दिन में ये प्लान फटाफट बना। मुंबई में कंसेप्ट चल रहा था काम करने के लिए, लेकिन इतना फास्ट, कारण कि मैं लखनऊ आया था, अभी एक होंडा का प्रोग्राम था, 2 दिन के लिए मैं आया था। मेरी एक फिल्म है पापा में छोटी से बड़ी हो गई, रिलीज का प्लान चल रहा था, तो उसको सेल आउट करने के लिए तो ये कार्यक्रम मिला। और हम लोग चलो गांव की ओर फिल्म का आज मुहूर्त कर रहे हैं आपके सामने। डायरेक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। इनकी एक फिल्म आई थी छैला संधू, बहुत ही लाजवाब फिल्म थी। टीवी पे, सिनेमा हॉल में, हर जगह लोगों ने पसंद किया, और मैं आशा करता हूँ कि वही प्रेम इस फिल्म को भी आप देंगे और फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। सर फिल्म में क्या दिखाना चाहते हैं चलो गांव की ओर? जी सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सर दिखाना मुझे वही फिल्म का टाइटल है चलो गांव की ओर, तो स्वाभाविक है कि गांव का ही कल्चर दिखाना है मुझे। जितनी भी मेरे फिल्म के सीन है, सारे के सारे सीने जो है गांव के कल्चर से जुड़ी, और उसी कल्चर को पकड़ के हम रखे हैं इस फिल्म में। आज भी हिंदुस्तान के गांव में ज्यादा देखा जाए बेरोजगारी है, तो क्या इसमें मुद्दा आएगी? जी सर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, गांव की तरफ देखा जाए। जी सर, बेरोजगारी है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मेरे पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है, उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिल्म के जो सब्जेक्ट आता है उसमें कुछ जी जी उस पर बेरोजगार जो बेरोजगार युवा है ना, उसके लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है जी, कि मतलब वो बेरोजगार नहीं है। अगर अगर वो चाहे करेगा, पसीना निकालेगा बॉडी का, वो बेरोजगार नहीं है, गाँव में रह के बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। मतलब एक लड़का होता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डिग्री लेने के बाद गांव जाता और गांव में बहुत कुछ किया, जिससे गांव के लोगों ने सीख लिया उससे, यही सारी चीज़ें हैं सर। 2016 में ये कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था, और मैं बेसिकली मैं गांव से जुड़ा हूँ। हम रहते भले मुंबई में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं साल में 2 बार तो गाँव जाता हूँ, और हमेशा से मेरी इच्छा रही कि गाँव में रहूँ, क्योंकि मैं आज कम से कम 50 साल से हम दिल्ली रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो अभी एक मैं आपको बताता हूँ, अब इस बार देखा कि हर गांव में सड़क आ गई है, हर गांव में सड़क आ गई है, पिच हो गई है, कंक्रीट है, लेकिन सड़क आते थे इतना देर हो गया कि लोग सड़क पे आ गए, गांव छोड़ के लोगों ने शहर सड़क पे मकान बना लिया। तो ये था अब, और ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि बेसिकली पलायन रोकने के लिए जो गाँव से जो युवक बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जो गाँव का हमारे टैलेंटेड लोग हैं वो दूसरे राज्य में जाके या दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, तो बेसिक उसको रोकने का मतलब ये है कि हम गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो मेन जो हीरो है वो विदेश रहा है, विदेश में पढ़ाई किया है, उधर से आता है, उसको अच्छी डिग्री लेके आता है, नौकरी के लिए भी यहाँ पैसा देना पड़ता है, मांगते हैं लोग कि इतना तुमको 5 लाख दोगे तो तुमको नौकरी मिलेगी, वो बोलता है कि अगर मैं घुस दूंगा तो मैं भी आगे घुस दूंगा, वो बोलता है कि अगर मैं पैसा देकर नौकरी पाऊंगा तो मैं भी आगे घुस लूंगा लोगों से, इसका मतलब क्या है? तो वो किसी तरह से अपने बाप को, भाई को कन्विंस करता है, वो बोलता है कि काम करो, जो तुम घुस देना चाहते हो ना वो पैसा मुझे दे दो, थोड़ी खेती दो और मैं करके दिखाता हूँ। और वो जो 2-3 साल जो मेहनत करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, एलोवेरा की, और से तो उससे गाँव में उसका नाम हो जाता है, पूरे सिटी में नाम, DM तक लोग आके उसको बधाई देते हैं, और लोगों को वो लोगों को प्रशिक्षित करता है और गांव का विकास होता है। ये मतलब बेसिक मतलब हमारी स्टोरी यही है, ताकि गांव से लोग बाहर ना जाएं। आनंद देव मिश्रा हैं, बालेश्वर जी हैं, समर चतुर्वेदी हैं, और बहुत सारे, नंदिनी भारद्वाज है अपना, हाँ गणेश यादव जी हैं, शायद गणेश यादव जी को आप लोग जानते होंगे, हिंदी से हैं, उन्होंने दबंग और बहुत सारी हिंदी फिल्में करी है, मराठी करी है, पहली बार वो भोजपुरी करने जा रहे हैं, तो इसमें वो पिताजी का रोल करेंगे हीरो के। अरे गीत संगीत यश कुमार जी दे रहे हैं, गीत जो है लिखेंगे सच्चिदानंद पांडे जी, संगीत यश कुमार जी देंगे, और इसका जो स्क्रीन प्ले डायलॉग है वो SK चौहान जी कर रहे हैं। संगीत कोशिश करूँगा अच्छा गाना बनाऊँ, हर इंसान को देख मैं अच्छा काम करूँगा, तो मैं सोचूंगा जिस हिसाब से टाइटल है अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा बनाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि अच्छे गाने मेरी हर फिल्म में होती है कुछ अच्छा करने की, तो अलग कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा।
और सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। गांव का परिवेश है, शहर का है, तो दोनों चीज़ इसमें है। शहर का भी गाने होंगे और गांव के भी गाने होंगे और फैमिली के गाने भी होंगे, तरह तरह के गाने हैं, 6-7 गाने हैं इसमें। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है और अच्छा लगा मुझे सब्जेक्ट। और सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद गोरे भैया को कि मुझे इस फिल्म के लिए उन्होंने चुना। और साथ में हमारे सचिदानंद पांडे जी राइटर हैं, राइटर बहुत अच्छे लिखते हैं, और अपना एस के चौहान जी हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट प्ले डायलॉग कर रहे हैं। और डायरेक्टर संजय निषाद जी, उनको भी धन्यवाद बोलूँगा, अच्छा काम करें, हमको चुना इसमें। तो सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहूँगा कि अच्छा गाना बने। पहले तो सभी को प्रणाम, जितने दर्शक लोग हैं। एक्चुअली परसों ही मुझे फ़ोन आया और अभी मुझे कहानी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। बस ये है कि इस फिल्म में कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर क्या है, क्या राइटर्स जी हमारे यश चौहान जी हैं, तो ज़्यादा बेटर ये कहानी के बारे में जानते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी तो बता सकते हैं। ये स्क्रीन पर देखी जाए तो उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से अभी बता दें तो फिर देखने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। शुभकामनाएँ तो हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं प्रोड्यूसर को, आपको, हमारे सारे आर्टिस्टों को, निर्माता निर्देशक जितने लोग हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। ये फिल्म बने, एक टाइटल जो दिखाई दे रही है चलो गांव की ओर, तो ये कुछ संदेश कहना चाहती है अपने नौजवानों को, अपने देश के लोगों को, कि अगर हम गाँव से भी जुड़ करके कुछ करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है कि कोई आदमी अपने आप को बेकार ना समझे, अगर वो काम ढूंढना चाहे तो उसे हर जगह मिल सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग यही दर्शाना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत है कि पढ़ने लिखने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसा सोच खुद पैदा करो कि नौकरी से बड़ी चीज़ हो जाए, तो हो सकता है कि हम ये बात कहने में समाज को एक सफल रहे। और फिल्म में यह मैसेज आता है, किसी के महल का नौकर रहने से बेटर अपने झोपड़ी का मालिक रहो, घर में ही रहो, अपना खेती करो, बढ़िया काम करो, गांव का विकास करो, क्योंकि शहर की आत्मा भी आज भी गांव में ही बसती है, सब गांव के छोड़ के ही शहर का निर्माण किया। हाँ, गीत लिखे जा रहे हैं, 8 गाने इसमें होंगे। कृष्णा जी होनहार एक्टर हैं, इनकी मैं 1-2 पिक्चर देखा भी हूँ, और ये जुड़े हैं तो इस फिल्म के लिए और अच्छा भी है, क्योंकि व्यवहार कुशल भी हैं और इनके बारे में मार्केट में कहीं भी आपको निगेटिव चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी, जो इस फिल्म के लिए अच्छी बात है। मतलब निगेटिव चीज़ सुनने को नहीं है? नहीं, इस फिल्म में कुछ इल्मी होते हैं, आज के समय में फिल्मी और इल्मी में अंतर हो जाता है, कुछ लोग केवल फिल्मी होते हैं, कुछ लोग इल्मी। इसमें आप गवर्नमेंट को बोलिए कि यूट्यूब को सेंसर करके गाने रिलीज करने को बोले, जिसका कोई मालिक नहीं होगा वो लड़का बिगड़ ही जाए। नरेंद्र मोदी जी से क्या हम कहेंगे, इतने भोजपुरी के प्रधानमंत्री वहाँ से जीत के हुए हैं, इतने सांसद लोग हैं जिसमें हमारे नए गायक सब हैं, फिर भी अभी तक भोजपुरी की मान्यता नहीं मिला है भाषा का। ये लोग तो गूंगे बहरे हैं, अपना काम बनता भाण में जाए जनता। चलिए, आत्मा गांव में बसती है, और आज मुंबई में 40 साल गुजारने के बाद आज भी एहसास होता है कि वाकई में जो हम बचपन में पढ़े थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, हम जितने भी प्रवासी यहां आए हैं हम सबों की आत्मा अपने गांव में बसती है। और जब इस फिल्म का टाइटल देखा मैंने कि चलो गांव की ओर, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इस फिल्म में अभिनय नहीं कर रहा हूं, इस फिल्म के निर्माता विनोद बरे जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इसके निर्देशक संजय निषाद जी, इनकी पहले फिल्म, इससे पहले एक फिल्म बनाई थी उसमें मैंने काम किया था। और हर फिल्म में हर व्यक्ति के लिए रोल नहीं होता है, लेकिन आदमी को बड़ा दिल रखना चाहिए कि आशीर्वाद देने, प्यार देने पहुंच जाना चाहिए। और इस फिल्म के हीरो कृष्ण कुमार जी मेरे साथ अपनी पहली फिल्म किया था सैया सिपहिया, मुझे बहुत खुशी हुई आज मिल करके। और जब भी भोजपुरी की अच्छी फिल्में बनती हैं, मैं तो बचपन से ही या जब से मैं अभिनय कर रहा हूँ
करीब 350 फिल्में हो चुकी हैं हमारी भोजपुरी की। भोजपुरी की जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती है बहुत खुशी होती है। और बस जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं वो लोग छोटे लेवल के जो लोग हैं, छोटे लेवल के लोग मैं बता रहा हूँ जो एल्बम बनाते हैं उनके चलते ये नहीं। तो आज अभी तो सब सुधर गए, पवन जी भी अच्छा गा रहे हैं, खेसारी जी भी अच्छे गा रहे हैं, पता चल गया उनको कि नहीं अब लोगों का टेस्ट बदल गया है।